हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, हैप्पी संडे, हाउ आर यू ऑल। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स जिन लोगों ने कल के मेरे टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, उनको अपने दिल से थैंक्स एंड बधाइयाँ देती हूँ, लिटरली। एंड जो लोग आज देख रहे हैं वो अगर आगे वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ये टेस्ट पेपर अभी आप लोगों के लिए खुला हुआ है, जिसके सामने भी वो वीडियो आता है और वो कमेंट करना चाहता है तो वो अभी भी उस वीडियो का आंसर दे सकते हैं। और उन सभी लोगों को मैं दिल से बधाई देती हूँ जिन लोगों ने आंसर लिखा है और जो आगे आंसर लिखना चाहते हैं, आप सभी को लिटरली। और मैं सुबह सुबह वीडियो बनाने इसलिए चले आए क्योंकि मैं बहुत खुश थी। मैं खुश इसलिए थी क्योंकि बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कुछ ऐसे आंसर्स लिखोगे जैसे कि यूनियन मतलब कि हम जल्दी से अवेकनिंग कर लें और हमारे डीएम से हमारा बस हम बैलेंस हो जाएं और फिर डीएम जल्दी से अवेकन हो जाए और हम लोग बैलेंस हो जाएं, हम लोग रीयूनियन में आ जाएं और फिर हमारी शादी हो जाए। लिटरली मुझे लगा कि आप लोग शायद कुछ ऐसे आंसर्स लिखोगे, बट I was wrong. I was just unexpected कि इतने matured answers आप सब ने literally सब ने, एक भी ऐसा नहीं था जिसने कि कुछ ऐसा answer दिया हो। सब ने, सब 100% marks से pass हो गए। सब ने self reunion, divine से reunion, मतलब इतने अच्छे answers दिए और मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स मेरे हैं और आप लोग मुझे इतने अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी जो चीज़ मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ वो आप तक पहुँच रही है। इसलिए मैं बीच बीच में महीने में एक आध बार टेस्ट भी ले लेती हूँ कि वो जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप तक पहुँच भी रहा है कि नहीं। एंड लिटरली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लिटरली लव यू ऑल। तो इसीलिए मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आज चूज़ किया आप लोगों के लिए। आप लोगों के इतने अच्छे आंसर्स के बदले एक वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो लिटरली बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वो वीडियो मैं आज लेके आई हूँ। और प्लीज़, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डील विद दिस टॉपिक इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि विदाउट इस टॉपिक को से डील किए बगैर ये जर्नी में रीयूनियन नहीं हो सकता, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है हाउ टू हील द अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिए कि हम लोग अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को कैसे हील कर सकते हैं। बहुत ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबके लिए आई बिलीव हेल्पफुल होगा। दोस्तों, ये मैं जो टॉपिक को समझाऊंगी ये मेरी एक रियल ट्विन फ्लेम स्टोरी के बेस पे समझाऊंगी, रियल ट्विन फ्लेम स्टोरी। यहाँ वीडियोस बनाने से पहले मैं लोगों को अपने वर्ड टू वर्ड मतलब सामने हील करती थी, जो लोग मेरे कांटेक्ट में आते थे तो हम लोग बैठ के बात करके हम लोग हील करते थे। फिर बाद में मुझे लगा कि मैं अपनी इस चीज़ को आप लोगों से भी शेयर करूं, सो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। तो एक आई थी मेरे पास, मेरी फ्रेंड कह सकते हैं, उन्होंने मुझे, उनकी स्टोरी है ये, रियल ट्विन फ्लेम स्टोरी है और उस इशू को मैंने कैसे हील किया और ऐसे ही आपको अपने इश्यूज हील करना है, इस पे ये वीडियो बेस्ड है। मेरी जो फ्रेंड है she is typical twin, वो एक twin है और जैसे कि सारे twins की एक dysfunctional family होती है, उनकी भी dysfunctional family थी, parents के झगड़े, all the abuses, all the pains, सब कुछ जैसे normally होता है उनके भी था, लेकिन parents से उनको बहुत प्यार मिला, लेकिन फिर भी parents के झगड़े से वो काफ़ी hurt और lonely अपनी life में feel करती थी। उनको लगा कि जब उनकी शादी होगी
तब ही जाके उनको उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आ सकते हैं. तो शी वॉज़ वेटिंग फॉर हर मैरिज और उनकी मैरिज हुई. जिस पार्टनर से उनकी शादी हुई ही इज़ अ गुड पर्सन, ऐसा नहीं है, बट होता है ना जब हम लोग इस जर्नी में होते हैं तो हर हर कोई एक ना कोई ट्रिगर लेके लाइफ में आता ही है. तो उस वक़्त वो पार्टनर बिल्कुल एक इनोसेंट न्यू फेलो की तरह था, जिस जो अपना टोटली मम्माज बॉय था. ऐसा नहीं कि उस पार्टनर के इंटेंशन रॉन्ग थे, ही इज़ अ सोलमेट एक्चुअली, वो उनके अभी भी सोलमेट हैं. बट जो एक्सपेक्टेशंस वो शादी से कर रही थी तो वो चीज़ें उनको मिल नहीं पा रही थी. और अनफॉर्चुनेटली जो उनके इन लॉज के साइड में भी उनको सपोर्ट नहीं मिला, बहुत ही उनकी जो मदर थी, मदर लॉ थी, वो भी जो एक मदर इशू जो होता है ना टिपिकली बेटे के लिए एक बहुत पॉजिटिवनेस एंड बेटे को बहू से दूर रखने वाली जो एक थॉट होती है, तो उस प्रकार से बहुत ही इस प्रकार के मदर इश्यूज थे और जिसके कारण से अगेन शी वॉज अनसेटिस्फाइड इन हर मैरिड लाइफ. तो फिर कई कुछ टाइम वो अपने हस्बैंड से दूर भी रही, वो जिस काम से विदेश वगैरह चले गए, आए भी तो वो अपने काम में इतने फोकस, मतलब दैट गाय वॉज टोटली फोकस्ड ऑन हिज स्टडी, हिज कैरियर, हिज जॉब लाइक दिस. और कहीं ना कहीं वो बुरे नहीं थे बट वो अपने करियर में फोकस थे. और कहीं ना कहीं हमारी जो फ्रेंड थी वो उनके इमोशंस उनसे इग्नोर हो रहे थे. ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर, सब चीज़ें उनको सुविधा की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं इनके इमोशंस को वो समझ नहीं पा रहे थे और वो इग्नोर हो रही थी, इनडायरेक्टली इग्नोर हो रही थी. अब क्योंकि ये एक अच्छे इंसान भी थे तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस शादी में कर क्या रही हूँ, मतलब मैं शादी में खुश हूँ कि नहीं हूँ. शी वॉज जस्ट बहुत कंफ्यूज थी कि मैं अपनी शादी में खुश हूँ या नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. बट आफ्टर ऑल शी वॉज नॉट हैप्पी. फिर इसी बीच में उनके घर में कुछ कैजुअलिटीज़ हो गई, उनकी मॉम की डेथ हो गई, उनके भाई की डेथ हो गई और उसके बाद उनके फादर ने भी दूसरी मैरिज कर ली. तो अगेन एक दुखों का पहाड़ उनकी उनकी ज़िंदगी में फिर से आ गया. तो एंड द अदर जो स्टेप मॉम थी वो भी अच्छी नहीं थी, वॉट एवर. तो एक प्रकार से उसको लगा कि यार व्हाट द हेल ऑफ द लाइफ आई एम लिविंग. मैं पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल कर रही थी, मैंने शादी भी करी एक उम्मीद रख के, वो शादी भी ऐसे ही रह गई और उसके बाद जो मेरे पास था वो भी मेरे हाथ से निकल गया. मतलब अब मायका भी ख़त्म, ससुराल भी अच्छा नहीं, मायका भी ख़त्म, अब पति भी बहुत ही इग्नोर, मतलब लाइक इनोसेंट इग्नोर करने वाला, लाइक टेक इट लाइटली लेने वाला इंसान, वट एवर. तो शी वॉज नॉट फीलिंग फुलफिल्ड, उनकी लाइफ में फुलफिल्ड फील नहीं कर रही थी. इसी बीच में उनकी लाइफ में कुछ अफेयर्स हुए बट वो अफेयर्स चल नहीं पाए, कंटिन्यू नहीं हो पाए. और कुछ ना कुछ होता, साल भर में दो साल में उनके अफेयर खराब टूट जाते. फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई उनके ट्विन फ्लेम की. और जब ट्विन फ्लेम आया तो शी वॉज फीलिंग लाइक कि अब मेरी लाइफ में चार्म आ गया. एंड शी वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग गिल्ट, उन्हें कोई गिल्ट नहीं थी कि बीइंग मैरिड मैं किसी आदमी से प्यार कर रही हूँ. काफ़ी दो साल उनका रिलेशन उससे भी चला एंड बट दैट वॉज द लाइक बेस्ट ऑफ हिज लाइफ. मतलब वो आसमान में जैसे उड़ रही है, ब्यूटिफुल लाइक बर्ड्स आर फ्लाइंग, लाइक फैंटसी वर्ल्ड, लाइक ऐसे उनकी ज़िंदगी हो गई थी. इसे जिसके लिए वो बचपन से प्यासी थी वो ज़िंदगी उनसे मिल गई, वो एक दोस्त मिल गया जैसे वो हर कुछ कह सकती हैं. वो शी वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल लाइक दिस, एक जैसे जो एक जो रियल ट्विन के बबल फेज में जो होता है, शी वॉज़ लिविंग एवरीथिंग, लाइक शेयरिंग एवरीथिंग, एनी थिंग शी कैन शेयर, एवरी रोमांटिक टॉक्स एंड वॉट एवर, शी वॉज़ जस्ट फ्लाइंग इन द स्काई लाइक दिस. बहुत ही अच्छा. फिर उनका आया सेपरेशन फेज. सेपरेशन फेज आया, हाँ, इसी बीच में उनको जब वो सोती थी तो उनको ड्रीम्स में अपने पुराने घर दिखाई देते थे. वो जिस भी तीन चार घर उन्होंने ऐसे रेंटेड हाउस शिफ्ट कर किए होंगे
तो उनके सब तीन चार रेंटेड हाउस दिखाई देते थे, बचपन दिखाई दे देता था। एंड वो अपने हस्बैंड में, जो उनका सोलमेट थे, वो हस्बैंड को हस्बैंड में एक्चुअली हस्बैंड नहीं, मदर या फादर जैसी फीलिंग रखती थी। और बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग शी हैज़ डिफ़िकल्टी इन इन देयर सेक्शुअल लाइफ, शी वॉज नॉट ओपनली गिविंग हर बेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि वो उस हस्बैंड में एक पेरेंट देखती थी, नॉट द हस्बैंड, बिकॉज हस्बैंड ने उनकी केयर करी, हिज हस्बैंड ने उनको वो हस्बैंड वाले इमोशंस नहीं दिए थे, तो वो हस्बैंड में पेरेंट्स को फील करती थी। और बिकॉज क्योंकि उनकी मदर भी एक्सपायर हो गई थी इसी बीच में, तो वो टोटली अपने हस्बैंड पे फैमिली के सारे जो इमोशंस चाहिए थे वो अपने हस्बैंड से ही उम्मीद कर रही थी। तो वो उनके साथ एक मदर वाली फीलिंग एक्सपेक्ट कर रही थी, उन वो जो बचपना वो करना चाहती थी वो सब बचपना अपनी ही फैमिली में कर रही थी, जिसको वो अपनी मायके वाली फैमिली में मिस करती थी, ये उन्होंने बताया था। अब जब सेपरेशन फेज आया तो वो फिर से, उनको लगा कि ये क्या हो गया लाइफ में, फिर से भूचाल आ गया, लिटरली भूचाल आ गया। लेकिन क्योंकि वो मेरी गाइडेंस में थी, तो शी वॉज डूइंग इनर वर्क, अपना ठीक से इनर वर्क कर रही थी, एंड शी वॉज क्वाइट बैलेंस्ड, काफ़ी वो बैलेंस हो गई। और उसके बाद उन्होंने कोई अफेयर नहीं किया, बिकॉज आई गाइडेड हर कि ये पैटर्न प्रॉब्लम्स आपको आती रहेंगी जब तक कि आप अपने इश्यूज़ को हील नहीं करेंगे। आई लिटरली गाइड हर कि जब तक आप अपने इश्यूज़ को हील नहीं करेंगे ये पैटर्न प्रॉब्लम आती रहेंगी। आप चाहोगे ट्विन को छोड़ के दूसरा नया अफेयर कर लो, तो इज नॉट द सोल्यूशन। और फिर उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया, उन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया, उन्होंने ट्विन को टोटली रिलीज़ कर दिया। जैसे ही उन्होंने दिल से रिलीज़ कर दिया, शी वॉज फाइंडिंग अ एनर्जी इन हरसेल्फ। जब हम लोग हाफ माइंडेड रिलीज़ करते हैं तो हमको वो डिवाइन एनर्जी नहीं मिलती है, दिस इज़ अ सीक्रेट, प्लीज़ अंडरलाइन। जब आप टोटली रिलीज़ करते हो ना अपने माइंड बॉडी सोल से अपने ट्विन को, तो एक डिवाइन एनर्जी आती है आपको उस पेन से बेयर करने की। इनफैक्ट वो पेन ही नहीं होता है, वो बिल्कुल डिटैच्ड हो गई, शी कम टू द स्टेट ऑफ डिटैचमेंट एंड शी वॉज कम्प्लीटली सरेंडर। मतलब अब उसको वो कोई अपने ट्विन की याद नहीं आती थी, कुछ नहीं, शी वॉज टोटली बैलेंस्ड। बस उसको एक प्रॉब्लम रह गई थी, वही सपने वाली, कि उसको अपने पुराने घर क्यों दिखाई देते थे। शी केम टू माई प्लेस, वो मेरे घर में आई और उसने मुझसे शेयर किया कि यार मैं अपनी जर्नी में ये इस ड्रीम से बहुत प्रॉब्लम मुझे होने लगी है, मैं क्या करूँ, बताया उसने। तो मैंने उसको गाइड किया कि आपको जो पुराने घर जो दिख रहे हैं आपको, इसका स्टोरी ये है कि नाउ यू हैव नो फैम, मायका, मायके वाली फैमिली नहीं है, तो नाउ यू आर मिसिंग योर फैमिली, यू आर मिसिंग योर मदर, यू आर मिसिंग योर फादर, बिकॉज वो लोग भली लड़ाई करते थे बट देवर शी वॉज वेरी लविंग चाइल्ड ऑफ देम, तो उसको तो पेरेंट्स का प्यार मिलता था ना, तो शी इज़ मिस, उसके लिए हर फैमिली वॉज एवरीथिंग। उसको अपनी फैमिली से प्यार था, भले ही फैमिली में झगड़ा होता है कि उसको अच्छा नहीं लगता था, बट फैमिली से प्यार था उसको। तो अब यहाँ हमने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना शुरू किया। हमने कहा देखो, तुमको सपने में अपने फैमिली क्यों, पुराने घर क्यों दिखाई देते हैं जहाँ आप शादी के पहले, इट सिग्निफाइज कि आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो। तो कहते हैं बट आई डोंट थिंक कि मैं अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ। तो मैं कहा हाउ इज़ योर बिहेवियर विद योर हस्बैंड, कहते हैं उन्हें बताया कि मैं तो अपने हस्बैंड में बिल्कुल अपने पेरेंट्स को फील करती हूँ, मेरे बेटा भी बड़ा हो गया उसमें भी मैं अपने एक भाई को फील करती हूँ। मैं कहा दैट इज इट, आप अपने पेरेंट्स जिस हस्बैंड को आपको हस्बैंड वाली फीलिंग नहीं है वहाँ आप पेरेंट्स फील कर रहे हो, जिस और जहाँ और आप बाहर अफेयर करके उन लोगों में हस्बैंड को ढूंढ रहे हो। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को ध्यान से अंडरस्टैंड करिए मैं ये क्यों स्टोरी बोल रही हूँ। वो लेडी को, क्योंकि उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, तो एक प्रकार से उसकी पूरी फैमिली ख़त्म, अब वो फैमिली वाला प्यार अपने हस्बैंड में ढूंढ रही है, हस्बैंड में केयर, फैमिली, मदर, फादर सब ढूंढ रही है।
और हस्बैंड वाला प्यार बाहर अफेयर्स करके ढूंढ रही है। यहाँ वो अपने हस्बैंड को भी अनसेटिस्फाइड रखी हुई है और बाहर बाहर जो अफेयर्स हैं वो भी स्टे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट हर डेस्टिनी। आप बाहर किसी अफेयर में प्यार ढूंढ रहे हो, इट डज नॉट मीन कि वो आपके हस्बैंड बन के आपकी लाइफ में आ जाएंगे। दे आर नॉट योर डेस्टिनी। तो वो बार बार जा रहे हैं, बट यहाँ अनरिजॉल्व इशू क्या है कि अब उसको इस जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसको रिजॉल्व करना है। अब उसको हस्बैंड को हस्बैंड की जगह देनी है और बाहर के इश्यूज को राइट ऑफ करना है, जो बाहर के बॉयफ्रेंड्स हैं उनको राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो इसी बीच में उसने मुझे बताया कि जब उसकी ट्विन से उसकी मुलाकात हुई थी तो वेरी बिगनिंग उसने अपने ट्विन को भी बताया था कि देखिए मेरी लाइफ में मैं शादीशुदा हूँ, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड से मुझे वो इमोशंस नहीं मिलते हैं, इसलिए मुझे वो चीज़ आपसे मिली, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बट दैट ट्विन वॉज रियली ए डिवाइन सोल। उनके डीएम ने उससे कहा कि मैं पूरा प्रयास करूँगा कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड एक हो जाए। एट द वेरी बिगनिंग ऑफ देयर स्टोरी, जब वो डीएम को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि वो भी प्यार करते हैं उसके पहले, मतलब अनकॉन्शियसली डीएम ने भी उसको ये राह, जब वो सिर्फ दोस्त थे, कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था कि हाँ आई लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं, और हमको जब सिर्फ एक फ्रेंडशिप थी, तब उनके डीएम ने भी कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड को मिलाकर रहूँगा, अनकॉन्शियसली कहा। और धीरे धीरे उनको भी उनसे प्यार हो गया था और उनकी जर्नी बबल फेज में चल रही थी। खैर, तो जब फिर से आइए कि जब वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे ये बात बताई, तो मैंने कहा आपका ट्विन ही आपको आपकी इस सारे इश्यूज को हील करने के लिए आया था, आपके सारे अनरिजॉल्व इशू को सॉल्व करने के लिए आया था। तो अब आप अपने हस्बैंड से बैठ के बात करिए, जो जो चीज़ें आप मुझे बता रही हैं कि भाई मैं अपनी फैमिली को मैं मिस करती हूँ और इसलिए मैं अपने हस्बैंड में आपको देख रही हूँ, और मैं क्यों, और एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं अपने हस्बैंड वाली फीलिंग्स आपसे खो चुकी हूँ जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। इफ़ योर हस्बैंड इज़ ए लिटरली अ सोलमेट, वो आपको सपोर्ट करेंगे और वो इसलिए करेंगे आपको, और इफ़ योर सोलमेट की बात नहीं है, क्योंकि डिवाइन को भी, अगर आप ट्विन सोल्स हैं, डिवाइन को भी आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, तो डिवाइन भी आपको सपोर्ट करेगा, डिवाइन भी उनको इतना सॉफ्ट बना देगा कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। एंड लिटरली व्हाट हैपन, शी टॉक टू हर हस्बैंड कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैंने क्योंकि मैं अपनी शादी से बहुत खुश नहीं थी, तो मैं अपनी फैमिली को मिस कर रही थी, तो मैंने आपके में वो हस्बैंड वाली फीलिंग महसूस नहीं करी, और मैं अब तक अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ, और क्योंकि आप मुझे वो हस्बैंड वाली फीलिंग्स नहीं दे पाए, तो मैं वहाँ बाहर अपने हस्बैंड्स को ढूंढ रही थी, मैं बाहर अनसक्सेसफुल रही, तो अब मैं चाहती हूँ कि हम ये इश्यूज़ को मिलकर डील करें। एंड शी टॉक टू हिम, और उनके हस्बैंड ने बहुत मैच्योरली अपनी मिस्टेक्स को एडमिट किया कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई है, मैं बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस था, मैं उस वक्त तुम्हारे इमोशंस पर ध्यान नहीं दे पाया, तुम यहाँ जो भी जिस मकसद से, जिस सपने, जो अरमान देख के मेरे घर आई थी, मैं उसको समझ ही नहीं पाया, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, एंड आई वॉज टोटली फोकस्ड इन माई करियर एंड माई जर्नी। और इस प्रकार से उन्होंने रिजॉल्व किया, दे वर ट्राइंग टू गिव अ न्यू स्टार्ट। और ऐसा नहीं है एक दिन में नहीं आपके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, बट जब आपका पर्सन आपको वो एडमिट करते हैं अपनी मिस्टेक्स, एंड वो धीरे ट्राई करते हैं, ट्राई करने लगते हैं लगातार, तो चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। ठीक है, तो अब उनकी चीज़ें रिजॉल्व कैसे हुई कि यहाँ पर इनका उनके हस्बैंड से अच्छा हो गया, ठीक है, रिलेशन, वहाँ वो अपने ट्विन से भी डिटैच्ड हो गई, और तीसरा वो डिवाइन पे कम्प्लीटली सरेंडर हो गई, तो नाउ शी वॉज लिविंग अ बैलेंस लाइफ। अब
चीज़ ये है कि बाद में उनका रीयूनियन हुआ, ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्या करूँ, नेक्स्ट पार्ट टू बनाऊँ, ठीक है, वेल आई विल ट्राई टू कम्प्लीट दिस हियर ओनली. मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, उनका रीयूनियन हुआ उनके ट्विन से बाद में, उसको वो भी लौट के आया, वो भी उनका भी रीयूनियन हुआ, मतलब उनकी दोनों की एनर्जी बैलेंस हुई, उनका यिंग यांग बैलेंस हुआ और दे आर नाउ गुड फ्रेंड्स. उनका जो ट्विन था वो भी मैरिड है. अब आप कहेंगे कि अगर वो दोनों मैरिड हैं तो इसमें ट्विन सोल्स रीयूनियन कैसे हुआ. देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने खुद इतने अच्छे कॉमेंट्स लिखे हैं तो अब मैं इतना तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे रीयूनियन क्या होता है. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई आस्क यू द क्वेश्चन. रीयूनियन बॉडी का नहीं होता है, रीयूनियन सोल का होता है, सोल लेवल पे होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर जर्नी. जब हमारे यिंग यांग एक होते, जब हमारे एनर्जी बैलेंस होती है, जब हम दोनों के इनर डीएम डीएफ बैलेंस होते हैं, ठीक है, जब हम लोग की दोनों की अवेकनिंग की स्टेज बराबर हो जाती है, तब जाके हमारा सोल लेवल पर रीयूनियन होता है, जहाँ हम लोग माइंड बॉडी एंड सोल से अलाइन हो जाते हैं, हमारी एनर्जी सेम होती है, ठीक है, हम फुल्ली सारे इश्यूज़ को हील करके अवेकन हो जाते हैं, एनलाइटन हो जाते हैं, और तो हमारी एनर्जी सेम हो जाती है, हमारी माइंड बॉडी सोल अलाइन हो जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रीयूनियन इन द सोल लेवल. ट्विन सोल का रीयूनियन ज़रूरी नहीं है मैरिज ही हो. अगर आपका पार्टनर और आप लोग अनमैरिड हो तो देर इज़ चांस कि आपकी शादी हो, बट ये ट्विन सोल्स में इज़ नॉट नेसेसरी कि शादी होना चाहिए, क्योंकि ये तो सैल्वेशन का की जर्नी है, ये तो मोक्ष की जर्नी है, ये तो डिवाइन को जानने की जर्नी है. ये लव लव अफेयर या फैंटेसी या बॉलीवुड वाला लव नहीं है कि जिसका एंड शादी ही होती है. ये अनकंडीशनल लव करने की जर्नी है. तो आप दूर रह के भी अपने डिवाइन के लिए, मैस्कुलिन के लिए एक अच्छी सी आस्था रखते हुए अपनी लाइफ में आप चल रहे हो. ठीक है, हम लोग सेपरेट हैं, वो वहाँ खुश रहे, प्रोग्रेस करे, और उसको आप अनकंडीशनली प्यार सेंड करते रहिए. आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए, अपने डिवाइन को, अपने मोक्ष को अपना सोल पर्पस बनाइए, अपने सेल्वेशन को सोल पर्पस बनाइए. और जब आप अपने भगवान में इतने घुल मिल जाएंगे कि जब आप भगवान से अलाइन हो गए, भगवान का हिस्सा आपका मैस्कुलिन भी है, तो मैस्कुलिन से तो आपको अलाइन होना ही है. दिस इज़ कॉल्ड रीयूनियन. ठीक है दोस्तों, आप सब ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए. आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. और जो लोग अभी आप उस वीडियो को, टेस्ट पेपर को फर्स्ट टाइम देखेंगे, वो भी अपने आंसर्स प्लीज़ लिखें. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल.